नूरपुर में जनसेवा केंद्र संचालक से दिनदहाड़े लूट से हड़कंप मच गया। बेखौफ बदमाशों तमंचा लहराते हुए घटना को अंजाम देकर फरार हो गए, जिसके बाद जंगल में पुलिस बदमाशों की कॉम्बिंग में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। सूचना पर जिले के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। नूरपुर के गांव दुर्गेशपुर निवासी सरफराज ने सिहारा क्षेत्र के गांव रवाना शिकारपुर में जनसेवा केंद्र खोल रखा है। सुबह लगभग 9 बजे सरफराज जनसेवा केंद्र पर जा रहा था, जैसे ही वो एडवा के जंगल में पहुंचा तभी नीली अपाचे बाइक पर सवार हथियारों से लैस 3 बदमाशों ने उसे घेर लिया और तमंचे के बल पर सरफराज से लूटपाट की। सरफराज से बदमाशों ने 1,00,000 रुपए व लैपटॉप तथा कुछ कागज लूटकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में बिजनौर SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बदमाशों के जंगल में कॉम्बिंग शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस जंगल में घेराबंदी करके बदमाशों की धरपकड़ में लगी हुई है। बिजनौर SP ने जल्द ही बदमाशों को पकड़ने का दावा किया है। थाना नूरपुर के पुराने दुर्गेशपुर गांव का निवासी सरफराज, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, एक काम करते हैं जन सुविधा केंद्र में पैसा कलेक्ट करना, लोगों को बांटना। आरोप लगाया है कि मैं लगभग 9:30 बजे घर से निकला था 1,00,000 रुपया लैपटॉप के साथ। गांव से 4-5 किलोमीटर दूर नहर के पटरी पर 3 लड़के बाइक से आए, वे उनका बैग छीन करके भाग गए। SPRA क्षेत्राधिकारी थाना प्रभारी मौके पर गए हैं। संपूर्ण तथ्यों की जांच पड़ताल की जा रही है। घटना का अनावरण शुरू हुआ है।